अतहर खान हॉकी स्पोर्ट्स सोसाइटी मुरादाबाद के तत्वावधान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक और समाज सुधारक की योमे पैदाइश सर सैयद डे पर GIC ग्राउंड में हॉकी मैच का आयोजन हुआ। मैच का आरंभ मुख्य अतिथि सैयद आसिफ अली ने झंडा फहराकर किया और इसके बाद GIC हॉकी नर्सरी मुरादाबाद और GIC बॉयज हॉकी क्लब मुरादाबाद की टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें GIC टीम हॉकी क्लब मुरादाबाद ने 3-2 से जीत हासिल की और GIC नर्सरी हॉकी टीम रनर अप रही। और वहीं आयोजक द्वारा सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और हॉकी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन AMU तराना और राष्ट्रगान के साथ हुआ। सरसैद अहमद खान की योम पैदाइश 17 अक्टूबर, जो हम लोग सरसैद डे के उसमें मनाते हैं, उसके एवज में ये मैच रखे गए थे। 3 दिन का प्रोग्राम होता है, लेकिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं इसलिए एक ही मैच रखा गया। ये मैच GIC बॉयज और हॉकी नर्सरी के बीच खेला गया। इसको GIC ने 3-2 से जीता और इसमें जो एम्पायर थे हमारे अमित कुमार थे, जो भी नेशनल खेल कर रहे हैं, मोहम्मद कामिल थे जिन्होंने दिल्ली से नेशनल खेला, दोनों ही हॉस्टल प्लेयर हैं। और यहाँ आज हमारे कुछ गेस्ट हैं जिनको हमने सम्मानित किया, जिसमें इंडियन पब्लिक स्कूल से जो अलीगढ़ से पास आउट हैं वहाँ स्पोर्ट्स टीचर हैं फहीम मोहम्मद फहीम साहब, नागेंद्र सिंह हैं जो असिस्टेंट कोच हैं रामपुर हॉस्टल में, NAS कोच हैं अलीगढ़ से, उन्होंने BPED MPED किया। इसके अलावा हमारे यहाँ और मेहमान थे SDBI इंटर कॉलेज के मुबारक हुसैन साहब, प्रिंसिपल साहब थे, डॉक्टर सुल्तान अहमद साहब थे JNU से अपने और अलीगढ़ से तालीम हासिल किए। आज हमारे वो स्पेशल गेस्ट थे फहीम खान साहब थे और हमारे हॉकी नर्सरी 11 स्टार क्लब के कुछ लोग थे, हॉकी नर्सरी के कुछ लोग थे। और इसके अलावा जो हमारे आज के मेहमान ख़ास थे, मुख्य अतिथि थे, वो आसिफ हसन साहब थे, जो बेसिक शिक्षा विभाग से अपना ताल्लुक़ है उनका और खेलों को बढ़ावा देते हैं, समाज सेवक हैं और मंडलीय अध्यक्ष हैं वो शिक्षक संघ के। आज ये आयोजन है सिर्फ सरसैद अहमद खान की जो हमें पैदाइश है, सरसैद अहमद खान का जो जन्मदिन है वो वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, उन्हीं की उसमें रखा गया था। इस मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर सुल्तान सैयद, आसिफ अली, मुबारक अली, फहीम खान, अमित कुमार, मोहम्मद कामिल, कौसर खान, नगेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे।